नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीकॉम पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर आपके लिए नया है। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत का मतलब है कि जो हम उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, वस्तु इसमें सेवाएं भी आती हैं, उनकी लागत ज्ञात की जाती है। और वो लागत कैसे ज्ञात किया जाता है, किन खातों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, उसे हम लागत लेखांकन द्वारा क्या कि ज्ञात करते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा है वो है वित्तीय लेखांकन, जिसके अंतर्गत हम शोधों की जर्नल एंट्री करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, खतौनी करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन फिर भी ये लागत लेखांकन है, उनको बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि सभी व्यापारियों की जो वस्तु स्थिति है वो वित्तीय लेखांकन द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं। अतः हमें लागत लेखांकन भी क्या कि उपयोग में लेना पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय जो वस्तु या सेवा का उत्पादन या निर्माण करता है, उसका मूल्य निर्धारित करते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसे अधिकतम लाभ हो। लेकिन जो आर्थिक जटिलताएं प्रतिस्पर्धा के माहौल में वस्तु की गुणवत्ता और उसका मूल्य निर्धारित करना बड़ा कठिन काम है, जटिल काम है। अतः अपने व्यापार को दूरगामी चलाने के लिए वस्तु की क्वालिटी और उसका मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करना पड़ता है, जिससे निरंतर सेवा या उत्पाद में सुधार और मूल्य प्रयत्नशील व्यापार में सहायक हो। तो इस प्रकार से वस्तु का या सेवा का निर्माण या उत्पादन करते समय ये ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी होता है कि उसका मूल्य और क्वालिटी बनी रहे, तभी क्या है कि हम ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। अतः इसको बनाए रखने के लिए, व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए व्यापारी को, व्यवसायी को अपने व्यवसाय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग के लिए ध्यान में रखना पड़ता है कि जो वेस्टेज क्षय वो कम हो और उसकी जो प्रोसेस है, जो उपकार्य मतलब निर्माण का स्थान है, वो कार्य कुशलता पूर्वक किया जा रहा है, उस पर क्या है कि ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इसका पता वित्तीय लेखों के माध्यम से नहीं पड़ता है। अतः इस कमी के कारण लेखांकन की दूसरी जो शाखा है उसे हम लागत लेखांकन प्रणाली के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए वित्तीय लेखों की कमियों या अपूर्णताओं को दूर करने के लिए लागत लेखांकन की आवश्यकता होती है। वित्तीय लेखों की अपूर्णताएं या कमियां जिसके कारण से लागत लेखांकन को अपनाना पड़ता है, तो वो कमियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर वन है प्रति इकाई लागत ज्ञात नहीं होना। ध्यान में होना चाहिए आपको कि वस्तु की लागत या सेवा का विक्रय मूल्य निर्धारण करने से पूरा उसकी लागत ज्ञात होना आवश्यक है, लेकिन ये वित्तीय लेखों के माध्यम से नहीं पता। आपको पता है कि वित्तीय लेखों से क्या मालूम होता है, लाभ हानि का पता लगता है। अतः हमें वस्तु की या सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन ही अपनाना पड़ता है। दूसरा, उत्पादन की प्रत्येक विधि विभाग आदि के अलग अलग लागत ज्ञात नहीं होना। वित्तीय लेखों से में खातों का वर्गीकरण किया जाता है, परंतु यह वर्गीकरण निम्न समूह उपलब्ध नहीं करा सकता है। उत्पादन विभाग में विभागीय विधि उत्पादन तथा इकाई लागत संबंधी समंग, प्रशासनिक विभाग में विभाग तथा सेवा संबंधी लागतों के समंग, विक्रय एवं वितरण विभाग में उत्पादन की प्रणाली तथा विक्रय क्षेत्रों की लागत संबंधी समंग,
आदि पता नहीं पड़ता है। नंबर 3, सामग्री पर नियंत्रण का अभाव। वित्तीय लेखों के अंतर्गत रोकड़ी मदों का जो विस्तृत विवरण रखा जाता है, परंतु कारखानों में प्रयोग आने वाली सामग्री के निर्गमन संबंधी व्यवहारों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न विभागों, उपकार तथा विधियों को निर्गमित की जाने वाली सामग्री की मात्रा मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। इस ज्ञान के अभाव से गबन, चोरी, क्षय आदि कारणों से होने वाली हानियां वित्तीय लेखों से प्रकट नहीं होती हैं। श्रम एवं मजदूरी का सही वर्गीकरण नहीं होना। वित्तीय लेखों द्वारा वर्ष के अंत में यह तो ज्ञात नहीं किया जा सकता कि श्रमिकों को वर्ष में कितना पारिश्रमिक दिया गया है, परंतु वित्तीय लेखों से विभिन्न उपकारों, विधियों या सेवाओं में कार्यरत श्रमिकों को अलग अलग चुकाए जाने वाले पारिश्रमिक का ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण किसी एक विभाग में तो आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम में लग जाते हैं तथा दूसरे किसी विभाग में श्रमिकों का अभाव बना रहता, तो परिणामस्वरूप श्रम लागत में वृद्धि हो जाती है। मजदूरी की तुलना कुल लागत से भी नहीं की जा सकती है। नंबर 5, श्रमिकों को उचित पुरस्कार देने की पद्धति का अभाव। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत श्रमिकों की कार्यकुशलता के संबंध में कोई अलग विवरण नहीं रखा जाता। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में किसी भी प्रकार का अंतर न होने के कारण कुशल श्रमिक भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करते हैं। योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर श्रमिकों या कर्मचारियों का वर्गीकरण नहीं होने से किसी मोटिवेट प्लान का प्रयोग नहीं किया जाता। फलस्वरूप किसी श्रमिक को प्रमाप से अधिक कार्य करने पर भी सामान्य निश्चित पारिश्रम से अधिक पारिश्रम नहीं मिल पाता। इस कारण यह पुरस्कार की उचित पद्धति नहीं कही जा सकती। नंबर 6, विभिन्न व्ययों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव। वित्तीय लेखों में व्ययों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों के रूप में नहीं किया जाता और इन व्ययों को उत्पादन की प्रत्येक विधि एवं क्रम के हिसाब से लिखा जाता है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा पृथक रूप से न करने के कारण अनियंत्रित अप्रत्यक्ष व्ययों को ज्ञात करना संभव नहीं होता है और अनियंत्रित अप्रत्यक्ष व्ययों का ज्ञान न होने से वस्तु की उत्पादन लागत में कमी करने का कोई उचित तरीका नहीं अपनाया जा सकता तथा लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि होने की संभावना रहती है, जिससे लाभों में कमी होगी। नंबर 7, दैनिक लागत सूचनाओं की उपलब्धि का अभाव। वित्तीय लेखे एक निश्चित अवधि जो प्राय एक वर्ष होती है के बाद तैयार किए जाते हैं और इस प्रकार जो लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है वह भूतकाल के कार्यकलापों का परिणाम बताता है। इसी कारण से वित्तीय लेखों को ऐतिहासिक लेखों की संज्ञा दी जाती है। एक अवधि के समंकों को सारांश रूप में प्रस्तुत करने के कारण लागत के संबंध में दैनिक या आवश्यकता अनुसार सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। नंबर 8, व्यवसाय की कार्यक्षमता मापने में असमर्थ। प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि किसी व्यवसाय की कार्यकुशलता का निश्चित माप नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी परिणाम प्राप्त किया जाता है वह संपूर्ण व्यवसाय से संबंधित रखता है, न कि अलग अलग विभाग, विधियों या उपकार्य से। दूसरों तरह से हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय लेखों के इस परिणाम से यह पता नहीं चल सकता है कि श्रम ने एक निश्चित समय में कितना उत्पादन किया तथा कितना करना चाहिए था। विक्रय प्रतिनिधियों ने निर्धारित अवधि में कितना माल बेचा और कितना बेचना चाहिए था। तुलनात्मक समंक प्राप्त न होने के कारण कार्य की प्रगति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस कारण किसी भी प्रकार की समस्या का हल निकालना कठिन होता है, क्योंकि इनको तैयार करने का उद्देश्य भी अलग होता है। उचित विक्रय मूल्य निर्धारण में कठिनाई। वित्तीय लेखा पद्धति लाभ हानि को बताती है, किंतु इन लेखों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वित्तीय लेखों में कुल व्ययों का लेखा तो करते हैं लेकिन उत्पादन या सेवा की प्रति इकाई पर किए जाने वाले व्ययों का लेखा नहीं किया जाता। इस कारण सही लागत का ज्ञान नहीं हो पाता और यही सही लागत का ज्ञान हुए बिना
विक्रय मूल्य भी ठीक से निश्चित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की पुष्टि के लिए कुछ रोचक ज्वलंत उदाहरण सामने आए हैं। एक निर्माणशाला ने युवा बालकों के लिए कपड़े तैयार किए। उनमें से एक प्रकार की किस्म के कपड़ों की नीची कीमत रखने से उनकी बिक्री अधिक प्रसिद्ध हो गई तथा कुल विक्रय का 75% विक्रय उसी किस्म का होने लगा तथा शेष बिक्री ऊंचे किस्म के कपड़ों की, जिसे ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा था। तो इस स्थिति को देखकर प्रबंधकों ने यह निश्चय किया कि अच्छी किस्म वाले कपड़े की बिक्री रोककर तथा सस्ते किस्म के कपड़ों की बिक्री बढ़ाकर लाभ को बढ़ाया जा सकता। प्रबंधकों ने ऐसा ही किया और भयंकर हानि उठानी पड़ी। विश्लेषण से यह पता चला कि जितना भी लाभ कमाया गया वह अच्छी किस्म की बिक्री का परिणाम था और इस लाभ की वजह से घटिया किस्म के कपड़ों की बिक्री से होने वाली हानि प्रकट रूप में न आ सकी। इस बीच में अच्छी किस्म के कपड़े का बाजार ही अन्य प्रतिद्वंदियों द्वारा छीन लिया गया और व्यवसाय बड़ी कठिनाई में पड़ गया। इस तरह का एक अन्य उदाहरण बिजली संबंधी सामान की फर्म का है। फर्म ने बिजली के एक सामान को थोक मूल्य पर 55 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचना प्रारंभ किया। कई हजार इकाइयां बेचने के बाद यह पता लगा कि उस विशेष उत्पाद का प्रति इकाई उत्पादन मूल्य 57 रुपये था। तो वित्तीय लेखों की इस कमी के कारण ही इस प्रकार के गंभीर परिणाम सामने आते हैं। हानि के कारणों का ज्ञान होना। उत्पाद का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना होता है, साथ ही वह लाभ को अधिकतम करना चाहता है तथा हानि को न्यूनतम। यदि व्यवसाय में हानि हो तो उसके सही कारण का ज्ञान वित्तीय लेखों से नहीं हो पाता, क्योंकि ये लेखे इस संबंध में कोई आवश्यक विश्लेषण प्रदान नहीं करते हैं। फलस्वरूप यह पता नहीं चलता है कि मौसमी, क्रियाशील, अक्रियाशील समय में मशीनों एवं औजारों के क्रियाहीन रहने से या श्रमिकों के कार्य न करने से उत्पादन को कितनी हानि हुई है। इनका विश्लेषण न होने के कारण भविष्य में ऐसी हानियों पर नियंत्रण भी नहीं रखा जा सकता है। नंबर 11, टेंडर मूल्य निर्धारण में असुविधा होना। कभी कभी व्यवसाय को किसी वस्तु की पूर्ति के लिए उसके निर्माण से पूर्व ही मूल्य निर्धारित करना पड़ता है। यह उसी अवस्था में संभव हो सकता है जबकि उस वस्तु के पिछले वर्षों के लागत व्यय का ज्ञान हो तथा साथ ही चालू वर्ष में विभिन्न व्ययों में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो। ऐसा होने पर ही लागत मूल्य का अनुमान लगाकर टेंडर की पूर्ति की जा सकती है। वित्तीय लेखों की सहायता से ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि पृथक पृथक कार्य की लागत का कोई विवरण नहीं रखा जाता है। नंबर 12, वास्तविक एवं अनुमानित लागत की जांच संभव नहीं। वित्तीय लेखों के अंतर्गत केवल क्या है का उत्तर मिलता है, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं किए जा सकते जिनसे कि प्रमाप लागत का निर्धारण किया जा सके, और इसका परिणाम यह होता है कि प्रबंधक इस तथ्य को नहीं जान पाते हैं कि वास्तविक लागत और अनुमानित लागत में कितना अंतर है और इस अंतर का क्या कारण है। तो ये वास्तविक अनुमानित लागत की जांच संभव नहीं है। किसके माध्यम से? वित्तीय लेखों के माध्यम। विशिष्ट कार्य से प्राप्त लाभ की सूचना का अभाव। वित्तीय लेखों के अंतर्गत व्ययों का वर्गीकरण विभागानुसार, विधिनुसार, सेवानुसार या कार्यानुसार नहीं किया जाता, वरन सब व्ययों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे संपूर्ण व्यापार के लाभ हानि का तो पता चल जाता है लेकिन किसी विभाग या विधि का उत्पादन लाभप्रद है तथा किसी विधि या विभाग का उत्पादन लाभप्रद नहीं है, इसका ज्ञान वित्तीय लेखों से नहीं होता है। फलस्वरूप अलाभप्रद विभाग या विधि को बंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति से प्रबंधकों या स्वामियों के मस्तिष्क में भी एक गलत धारणा बनी रहती है, जो इसको स्पष्ट होना चाहिए। बाहरी संस्थाओं को आवश्यक सूचना देने में कठिनाई। वित्तीय लेखों से लागत संबंधी पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, अतः बाहरी एजेंसियों जैसे बैंक, बीमा निगम, व्यापारिक संघ, सरकार आदि को रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। इसका परिणाम यह होता है कि ऋण लेते या देते समय इन संस्थाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये उपयुक्त कारण हैं जो वित्तीय लेखों में एक तरह से कमी कह सकते हैं, या इन सूचनाओं का ज्ञान नहीं होता है, और इन सूचनाओं को ज्ञान नहीं होने के कारण इन कमियों को दूर करने के लिए व्यापारी को लागत लेखांकन
अपनाना पड़ता है या लागत लेखांकन का प्रादुर्भाव हुआ।